हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम मैदा सूजी की मठरी बनाएंगे। ये खाने में सभी को बहुत पसंद आती हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। आप इन मठरियों को सुबह की चाय या फिर शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन्हें ट्रैवल पर बनाकर भी ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये मठरियाँ बनाना बताऊँगी, जिससे कि पहली बार में ही आपकी मठरियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो आइए इन सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी मठरियों को बनाना शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में ये 3.5 कप मैदा लेंगे। फिर अब हम इसमें ये 1/2 कप बारीक सूजी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और साथ ही 1 छोटा चम्मच अजवाइन को इस तरह हल्का सा क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को इस तरह क्रश करके डालने से मठरियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम मोइन के लिए इसमें ये 1/4 कप देसी घी डालेंगे और घी को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मठरियाँ बनाने के लिए मैंने देसी घी का मोइन डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि देसी घी का मोइन डालने से मठरियाँ ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो आप भी मोइन के लिए देसी घी का ही यूज़ करें। तो यह मैंने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं मैदा की इस तरह मुट्ठी बन रही है, मतलब कि हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें कि आटा गूंथते टाइम पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपका आटा सख्त नहीं गूंथेगा और आपकी मठरियाँ भी बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और एकदम सख्त डो लगाएं, क्योंकि तभी आपकी मठरियाँ एकदम खस्ता बनेंगी। तो यहाँ आप देखिए, मैंने एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह किसी प्लेट से ढककर रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लगभग 20 मिनट हो गए हैं, प्लेट हटाएंगे, आटे को एक बार और मसल लेंगे। तो ये हमारा आटा एकदम रेडी हो गया है। तो अब हम आटे की इस तरह छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। तो ये लोई का साइज आप अपनी मठरी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी छोटी बड़ी तोड़ सकते हैं। तो ये मैंने सारी लोइयां तोड़ ली हैं। तो अब हम इन्हें हथेलियों के हेल्प से इस तरह गोल कर लेंगे। तो ये हमारी सारी लोइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक लोई लेंगे और इसे बेलन की हेल्प से इस तरह बेल लेंगे, और बेलने के बाद एक फोक की हेल्प से हम इसमें छेद कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने एक मठरी को बेलकर इस तरह तैयार कर लिया है। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से सारी मठरियों को बेल लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारी मठरियों को बेलकर इस तरह तैयार कर लिया है। तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। मठरियाँ तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पहले से ही ऑयल को गर्म कर लिया है। हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ये एक एक करके मठरी डालेंगे। तो ये मैंने सारी मठरियों को कढ़ाई में डाल दिया है। तो बस अब हम इन्हें अलटते पलटते हुए जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। पर मेक श्योर मठरियाँ फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम एकदम लो मीडियम ही रखें, क्योंकि अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपकी मठरियों का कलर तो चेंज हो जाएगा, पर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि इन्हें एकदम लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, क्योंकि तभी आपकी मठरी एकदम क्रिस्पी बनेंगी। तो ये मैंने मठरियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इनका कलर भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। इस तरह निकालेंगे कि इनका सारा एक्सेस ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाए। तो ये मैंने मठरियों को प्लेट में अलग निकाल लिया है और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारी मठरियाँ दिखने में ही कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। आप इन मठरियों को सुबह की चाय, शाम की चाय के साथ खा सकते हैं,
या फिर आप चाहें तो इन्हें ट्रैवल पर बनाकर भी ले जा सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो आप भी इन मठरियों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।